गाड़ी में आग लगी है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त गाड़ी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है, लेकिन इससे पहले गाड़ी बिल्कुल स्वाह हो चुकी है। थोड़ी सी लगी थी, उसके बाद में सारी अपने आप ही पुलिस वाले फोन करते रहे, पुलिस तो आ गई बहुत पहले, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं आई। गाड़ी हमारे यहाँ थोड़ी सी आग थी, बिल्कुल थोड़ी सी हाईवे की फायर ब्रिगेड, फायर बहुत ज्यादा फायर पकड़ी यहाँ पे, नुकसान जान आने के नुकसान हो सकता। फायर ब्रिगेड है रोड़ा सारा, और फायर ब्रिगेड टाइम पर आ जाती है रोड के ऊपर, कोई फायर ब्रिगेड। ड्राइवर ने कोशिश करी है काफी, लेकिन उसका ड्राइवर अकेला क्या करे बेचारा, अंदर जाता मर जाता बेचारा। NHI का 44 का टोल टैक्स पे जो है टोल मारा, उस पर कोई फायर ब्रिगेड मौके पे नहीं गाड़ी पाई, कम से कम आधा घंटा हमें हो चुका है नहीं पाई हमें 44 पे कोई फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं मिली। फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया था और फायर ब्रिगेड मौके पा ली, हालांकि गाड़ी चल चुकी है पूरी, पर फायर ब्रिगेड मौके पा ली, कंट्रोल कर लिया है, ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। रिफ्रेश मैट्रेस घर लाइए और हेल्दी स्लीप पाइए, साथ ही स्क्रैच एंड विन अप टू 100%। इतना ही नहीं, हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट अप टू ₹14,999। रिफ्रेश मैट्रेस, जिसके साथ मिले आरामदायक और सुकून भरी नींद के बाद रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें पानीपत के टोल प्लाजा से देख रहे हैं। एक गाड़ी में आग लगी है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त गाड़ी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, लेकिन इससे पहले गाड़ी बिल्कुल स्वाह हो चुकी है। किस कंपनी की गाड़ी है अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, और इसके मालिक कौन है अभी इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भयंकर आग इसमें लगी है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि बोनट में पहले आग लगी और उसके बाद जो है आग फैलती फैलती जो है पीछे तक पहुंच गई। मौके से आप ये लाइव तस्वीरें जो हैं वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा दिखा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले का ये मामला बताया जा रहा है, इसमें कितने लोग थे अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस की गाड़ियाँ जो है मौके पर पहुँच गई हैं। लाइव तस्वीरें हैं, अभी तक मालिक कौन था इसमें अभी तक ये भी नहीं पता लग पाया, लेकिन अब ये आग बुझाने वाली जो गाड़ी है मौके पर पहुंची है। तो लाइव तस्वीरें आपको सीधी दिखा दे, क्या हुआ, आप लोग यहीं थे जब हुआ था ये, क्या हुआ था यहाँ पर जी? इंजन में सबसे पहले थोड़ी सी आग शुरू हुई थी, उसके बाद में बुझाने लगे, कोशिश करने पानी से गिरने, लेकिन पानी से कंट्रोल हुए नहीं, उसके बाद तेज हो गई, और फायर ब्रिगेड को भी फोन कर दिया था उस टाइम, आध घंटे बाद अब फायर ब्रिगेड आया। फोन करते हाँ जी, इसका मालिक मतलब कौन, अंदर कोई बैठा था? नहीं नहीं, कोई नहीं बैठा था, बाहर था जी वो ड्राइवर। जब वो बाहर था फिर आग लगी? हाँ हाँ, फिर लगी, लेकिन वो ड्राइवर इधर गया हुआ जी। अच्छा हाँ जी, कौन सी कंपनी गाड़ी बता रहे हैं? फोर्ड कंपनी की है जी शायद। फोर्ड कंपनी, हाँ बताइए, तू यही था जब हुआ था? मैं तो अभी 20 मिनट से यहीं खड़ा हूँ, मैं जिस टाइम जलता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा हाँ, 20 मिनट में ना इन्होंने कह दिया मेरे को, 10-15 मिनट पहले फ़ोन कर दिया, इस वजह से 45 मिनट होता है, और जब पूरी कार्रवाई खत्म होली जब फायर ब्रिगेड आ रही है, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है मौके पर। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के टोल प्लाजा से, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले का गाड़ी में आग लगी है, और उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। भाई जी, इसके ये पता लगा ड्राइवर कौन था? ये अभी पता करेंगे, क्योंकि आग लगी हुई थी ना, ऐसे तो साहब भी खड़े हैं अभी मौके पे, और अभी पता कर रहे हैं, रेडी वाले बताए, एक ड्राइवर बताया वो उधर गया है, अभी पता तो ही चल रही है। उसमें कोई परिवार तो नहीं था? नहीं, परिवार नहीं बताया गया, अभी पता कर रहे हैं। गाड़ी कौन सी कंपनी है? गाड़ी कंपनी का कुछ पता करके बताएंगे ना, आग लगी गाड़ी अभी पूरी तरह जल गई। हाँ जी बताएं सर, प्लीज, सबसे भ्रष्ट यहाँ का डिपार्टमेंट है, और सबसे भ्रष्ट यहाँ का जो भी सिस्टम है सबसे भ्रष्ट है। टाइम पे कॉल किया गया, टाइम पे इन लोग को आना चाहिए, टाइम पे आता तो आज गाड़ियाँ नहीं चलती ना, फायर ब्रिगेड तो टाइम पे आता तो गाड़ियाँ नहीं चलती। सबसे भ्रष्ट यहाँ का डिपार्टमेंट, सबसे भ्रष्ट यहाँ का जो भी गाड़ी, गाड़ी थी क्या ये? मेरी गाड़ी नहीं है सर, पर मैं ये गाड़ी पे चलता हूँ सर। आपकी गाड़ी है क्या ये? नहीं, कस्टमर मिस्त्री हैं जी। मिस्त्री आप लेकर आए थे इस गाड़ी को? कहाँ से? बढ़ सकते जी, पानी पत्ता सामान ले दो है, वापस जावा दे। शॉर्ट सर्किट होया जी इसमें। कौन सी गाड़ी है? डस्टन गो, रेडी गो, डस्टन गो है जी। अच्छा, कहाँ से शॉर्ट हुआ इसका पहले? आगे से होया जी। अच्छा हाँ, कस्टमर का नाम क्या है जिसकी गाड़ी है? सुभाष सुनार। पानीपत की है? बरसत का जी। बरसत का, ये रिपेयर होने के लिए आए थे आपको? हाँ, ये रिपेयर होने के लिए आए थे। क्या दिक्कत का थी? रिपेयर भी कुछ नहीं, हल्की फुल्की मिसिंग थी जी इसमें इंजन में। हाँ, तो उसके बाद ये पानी बरसत रोड से लेके और यहाँ बाबर पर आनी थी ये।
टोल पार करा इसमें शॉर्ट हो हल्का सा, फिर आग लगी ना, फिर उसके बाद आगे पूरी बढ़ गई आगे। मालिक को बता दिए? हाँ बता दिया। हाँ मालिक आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। कहाँ है आपके वर्षो? जी बाबरपुर। बाबरपुर में कौन सा मॉडल है ये गाड़ी है? ये मालिक को बेर होगा जी। मालिक को बेर होगा। ये गाड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल जलकर ख़त्म हो चुकी है गाड़ी, शॉर्ट सर्किट जो है बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है और अब आग पर काबू पाया जा सका है। और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी यहां पर बता रहे थे, आग तो अपने आप ही बुझ गई जब आई फायर ब्रिगेड। तो जी आप यहीं थे जब? हाँ तब लगी, थोड़ी सी लगी थी, उसके बाद में सारी अपने आप ही पुलिस वाले फ़ोन करते रहे, पुलिस तो आ गई बहुत पहले, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं आई, इस वजह से आग पर। हम टैक्स देते हैं, हम गाड़ी का टोल टैक्स देते हैं, अब टोल टैक्स बंद है, भले ही बंद है, पर सर्विस यहाँ पे ऑनलाइन होनी चाहिए। यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई भाई, गाड़ी हमारे यहाँ थोड़ी सी आग थी, बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी आग फायर बहुत ज़्यादा फायर पकड़ी यहाँ पे, नुकसान जान आने के नुकसान हो सकता था, परिवार होता तो खत्म ही हो जाता। हाँ बिल्कुल जी, पर यहाँ पे अगर टोल टैक्स वालों को हमने बोला, खुद जाके बोला है, उन्होंने ये बोला टोल टैक्स बंद है, एक साल से बंद है, ये हमें बात बोल दी हमें, मतलब ये बात बहुत गलत है, हम नहीं कर सकते कुछ भी। अगर टोल टैक्स बंद है तो मतलब सर्विस तो चालू होनी चाहिए, क्या हम टैक्स नहीं देते? हमारा परमिट भी बना है, सब कुछ बना हुआ है, घर में गलती है हमारी। आप ये कह रहे हैं कि टाइम से आ जाते हो, शायद गाड़ी भी बच जाती, सब कुछ बच जाता है, और कि दूसरे कोई रोड़ा नहीं था, कोई फायर ब्रिगेड है रोड़ा सारा, और कि फायर ब्रिगेड टाइम पर आ जाती है रोड के ऊपर, कोई फायर ब्रिगेड नहीं। ड्राइवर ने कोशिश करी है काफी, लेकिन उसका ड्राइवर का अकेला क्या करे बेचारा, अंदर जाता मर जाता बेचारा, लेकिन टाइम पर फायर ब्रिगेड आई नहीं, इसकी वजह से ये हादसा हो गया। रोड के ऊपर तो अमूमन होनी चाहिए, बिल्कुल जी फायर होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड गाड़ी होनी चाहिए, प्लस टोल टैक्स है यहाँ पे, मौके का टोल टैक्स है यहाँ पे, गाड़ी फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए, आसपास गाड़ी कोई ब्रेक मार दे तब भी सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है। मेन बात मेन हाईवे पर है तो आगे पीछे गलियों में हो तो दिक्कत हो, चलो कोई बात नहीं, पर NHI का 44 का टोल टैक्स पे जो है टोल मारा, उस पर कोई फायर ब्रिगेड की मौके पे नहीं गाड़ी पाई, कम से कम आधा घंटा हमें हो चुका है नहीं पाई हमें 44 पे कोई फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं मिली, खुदा ना खास्ता कोई जान हानि हो जाती, एम्बुलेंस भी नहीं थी यहाँ पे, अभी तक अब देख लो एम्बुलेंस भी नहीं होगी, अब आइयो तो आइयो, पर यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, परिवार नहीं था, नहीं तो हादसा हो जाता बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो लोगों में रोष इस बात को भी लेकर बने, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 का ये मामला, और पास में ही टोल टैक्स है, टोल टैक्स पर 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा और फायर ब्रिगेड की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें, आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन काफ़ी देर जो है हो चुकी है। तो वीडियो आप पानीपत के टोल प्लाजा से देख रहे थे, अब गाड़ी बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है। फिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था ये मान लो? ये बरसत रोड पर ना गाड़ी ठीक होने के लिए आई थी किसी कस्टमर की, गाड़ी को ठीक करके और जो मैकेनिक है वो इसको ट्राई लेने के लिए आया था, टोल पार करते इसमें मिसिंग तो इसमें पीछे से ही थी, यहाँ इसने जैसे गाड़ी रोकी पहले इसके बोनट में आग लगी, धुआं उठा, जब इस हमने देखा इसे बोनट में आग लगी है तो हमने जो बाकी कारें थी ना उनको साइड में करवा दिया, यहाँ ट्रैफिक के कोन लगवा दिए थे, व्हीकल डाइवर्ट करवा दिया थोड़ा सा ताकि कोई और इंजन हानि ना हो किसी प्रकार की, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया था तो फायर ब्रिगेड मौके पा ली, हालांकि गाड़ी चल चुकी है पूरी, पर फायर ब्रिगेड मौके पा ली, कंट्रोल कर लिया है, ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। और लोगों में रोष इस बात का कि नेशनल हाईवे है ये, मौके पर कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई फायर ब्रिगेड नहीं होनी चाहिए मौके पर? नहीं, फायर ब्रिगेड तो कॉल करती आ गई, एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं थी, अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता होती तो हम एम्बुलेंस को बुला लेते, क्योंकि गाड़ी के बीच में कोई भी नहीं था, हमने चेक कर लिया था अच्छे से, और NHAI के पास है एम्बुलेंस, उसकी हम आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने एम्बुलेंस नहीं बुलाई, फायर ब्रिगेड बुलाई थी, वो टाइम पे आ गई थी। ये मतलब था कोई भी नहीं था उसमें? ये नहीं, गाड़ी में कोई नहीं था, मुझे कन्फर्म है, मौके पे था बिल्कुल, मैंने चेक कर लिया था, गाड़ी में कोई नहीं था उस टाइम, ड्राइवर था वो दूर खड़ा था। जुड़े रहिए वाइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है, एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे, कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध, कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल, कैरियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर ASM कूलर हर घर की पसंद, 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर वन, बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812214545।